बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? खैरियत से होंगे, फिट होंगे और ज़बरदस्त होंगे। काफ़ी अरसे के बाद यार दोबारा हाजिर हूँ, थोड़ा सा मामलात में फंसे हुए थे काम धंधे में, तो अगेन से हाज़िर हो गया हूँ अपने चैनल पे। और आज किस वीडियो के साथ आए हूँ? आज फाइबर के रिलेटेड वीडियो है, उसकी एक नई अपडेट के बारे में वीडियो है, ताकि इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूँ जितना मुझे आइडिया हुआ है, ठीक है ना। तो उतना मैं आपको भी गाइड कर सकूँ, क्योंकि बहुत लोग बार बार मुझे व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, मुझे कमेंट में भी पूछा कुछ लोगों ने, लेकिन व्हाट्सएप और मैसेजेस पर बार बार पूछ रहे हैं सर इसका अब क्या करें, क्या होगा, अब कैसे होगा, अब ऑर्डर कैसे आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वैसे अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक कर दो, और वीडियो कोई भी हो ना यार उसको कंप्लीट देखा करो, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। किसी की भी वीडियो उसको कंप्लीट देखा करो, तब समझ आती है पूरे काम की बंदा क्या समझा रहा है ना। अच्छा, अब वीडियो किसके रिलेटेड है? वीडियो है फाइबर के बाय रिक्वेस्ट के रिलेटेड। बाय रिक्वेस्ट आप लोगों ने कहीं ने देखा होगा गायब होगी, काफ़ी दिनों से गायब होगी, मैं भी लेट हो गया वीडियो बनाते बनाते, टाइम तो नहीं लगा मेरा, कि जो बाय रिक्वेस्ट है वो गायब हो गई है, वो ऑप्शन ही खत्म हो गया बाय रिक्वेस्ट का। वहाँ आप खोलें तो वो कहते हैं नहीं जी आपको मैच खुद ही करके देगा, फाइबर ही आपके गिग पे ही आएगा, कोई क्लाइंट डायरेक्ट आएगा, फाइबर आपको मैच करेगा, ये करेगा, वो करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब बाय रिक्वेस्ट तो खत्म हो गई है, तो अब ऑर्डर हमने लेना किस तरह से, हमें ऑर्डर आएगा क्या, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, इसकी थोड़ी सी डिटेल में हम जाएंगे, और मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। स्क्रीन पर ले जाकर आपको सही तरह जरा समझाते हैं कि इसका तरीकाकार क्या है, कि अब हमें ऑर्डर किस तरह से आएगा, हमारा काम किस तरह से चलेगा, ठीक है। तो चलते हैं जरा स्क्रीन पर, आए वहाँ आपको दिखाते हैं जी। तो हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आपको बताया कि इसमें ख़त्म हो चुका है जो आपका ऑफ़र वाला सिस्टम है, मींस कि अब आपको जो यहाँ क्लाइंट लगाते थे अपना एक रिक्वायरमेंट लगा देते थे कि हमें ये काम चाहिए, जॉब पोस्ट करते थे, अब वो जॉब पोस्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अब इसका तरीक़ेकार जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। मुश्किल से क्या मतलब है? मुश्किल से मतलब ये है कि अब आपको जो अपनी गिग है उसको इस तरह से बनाना होगा, उसकी SEO इतनी अच्छी हो कि उसको आपके जब कोई क्लाइंट सर्च करता है कोई भी चीज़, तो उसको डायरेक्ट आपकी ID फ्रंट पे शो हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ, ये ज़रा स्विच टू बैंक करके, अब क्लाइंट आता है तो क्लाइंट ने फाइवर पे आके क्या करना है, क्लाइंट आके सर्च करता है कि जी मुझे चाहिए एक बंदा जो मुझे आर्टिकल लिख के दे, ठीक है। तो आर्टिकल राइटर लिख देगा या वो, या लिखेगा आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। तो ये जब सर्च करना है उसने कीवर्ड, तो इस कीवर्ड के साथ ये गिग्स सामने आ जाती हैं, ठीक है। अब ये बंदा आया खड़ा है, तो ये क्या लेवल 2 का सेलर है, 91 इसके रिव्यूज़ हैं, फ्रंट पे आ गया बिल्कुल फ्रंट पे। ये जो हनाना है ये एक लेवल 1 की सेलर है, 1K+ इसके रिव्यूज़ हैं, और ये लेवल 1 की, लेकिन इसका भी यहाँ पर फ्रंट पे शोर है, लेवल 2 का भी शोर है। जो टॉप रेटेड है, टॉप रेटेड का 3rd नंबर पर आ रहा है, ये भी टॉप रेटेड 3rd नंबर पर आ रहा है, लेवल 2, ये प्रो लेवल 2 इस तरह से, ठीक है। तो ये टॉप रेटेड, ये प्रो वाले हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, टॉप रेटेड आ रहे हैं। तो अब ये देखें, इसका अब कोई लेवल भी नहीं है, लेकिन इसकी जो SEO हुई है इसकी गिग की, यानी कि उसकी वर्डिंग ऐसी है कि वो टॉप पे आ गई है सर्च के अंदर, ठीक है। ये बाकी सारे लेवल 2 वाले हैं, ये देखो ये भी बिगिनर है, यानी कि इसका लेवल 1 भी नहीं है, अभी सिर्फ 27 इसके जो रिव्यूज़ हैं, और लेवल 1 का सेलर भी नहीं है, लेकिन इसके वर्डिंग ऐसी है, इसकी SEO ऐसी है कि इसकी गिग जो है वो रैंक हो चुकी है, ठीक है। तो कोशिश करनी है हमने कि हमने अपनी जो है गिग वो रैंक करनी है। रैंक किस तरह से करनी है? एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिख के, प्रॉपर वर्डिंग के अंदर थोड़ी सी रिसर्च करके, SEO की वर्डिंग ऐसे लगा के, टैग्स लगा के, टैग्स क्या होते हैं, मीन्स कि ये टैग है, ये मल्टीमीडिया जर्नलिज्म भी कह लो टैग है, मुख्तलिफ़ ऐसे वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम रखते हैं, ठीक है, और उनमें कंपटीशन कम है, उन वर्ड्स के साथ आपने बनाना है अपने डिस्क्रिप्शन को। तो डिस्क्रिप्शन बनाने के बाद आप जो है वो जब गिग पब्लिश करेंगे तो उसका जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आपकी गिग सर्च रिज़ल्ट के अंदर टॉप पे आएगी। जब सर्च रिज़ल्ट के अंदर टॉप पे आएगी तभी आपको इधर से ऑर्डर मिल सकता है, आपको क्लाइंट डायरेक्ट जो है वो कॉन्टेक्ट करेगा। एक तो चीज़ होगी ये, दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर आपने फाइबर पे ऑर्डर लेना है तो आपको करना ये होगा कि आपको फेसबुक ग्रुप्स, लिंक्डइन ग्रुप्स, जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जाके अपने अपने जो फील्ड है उसके रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करें, ग्रुप्स के अंदर जाके पोस्टिंग करें। आप वहाँ पे अपनी ID की जो लिंक है वो भी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा पोस्ट करने से आपकी ID बैन हो जाएगी, यानी कि रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी पोस्टिंग करने से। तो कोशिश करें कि बजाय उसके एक छोटा सा बैनर इमेज बनाएं इस तरह का, ठीक है, कि हम क्या काम करते हैं, या ये जैसे देख लें मेरे कैनवा के अंदर मैंने बनाई हुई है मुख्तलिफ चीज़ें, आप सिंपल वही उठाएं, जैसे मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ, इस तरह का पोस्टर बना लें, ठीक है।
जब पोस्टर आप बनाएंगे तो पोस्टर बनाने के बाद क्या होगा, आप ये जब पोस्ट करेंगे इसके अंदर हमने दिया हुआ है कि फाइबर पे, हम फाइबर के बाद लेवल वन का सेलर मैंने अपना ऐड कर दिया और ये अपनी आईडी का जो है मेंशन कर दिया कि अजीम सेल 47 ये मेरी फाइबर के ऊपर आईडी है। तो कोई भी मुझे इससे सर्च करेगा अजीम सेल 47 के हिसाब से तो मेरी ही आईडी उसको जो है वो ये वाली मेरी आईडी उसको शो होगी। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है। या दूसरा तरीक़ाकार, आप अपनी रिग को इतना रैंक करें इतने अच्छे तरीके से कि क्लाइंट्स के सामने सर्च रिजल्ट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आए। दूसरा ये कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आईडी को शेयर करें। शेयर करने से मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप फेसबुक के ऊपर लगे रहें, आप और प्लेटफॉर्म्स जो हैं सोशल मीडिया के उनको टच करें। अगर आपके पास कहीं कोई आपकी फील्ड के क्लाइंट्स की कोई डाटा बेस है तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं, ईमेल में भेज सकते हैं कि हमारे पास ये, अगर आपके पास नंबर्स हैं तो आप उन फ़ोन नंबर्स के ऊपर उनको जो है टेक्स्ट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज जो हैं वो मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके पास फेसबुक आईडीज़ हैं उनकी तो आप उनके ऊपर जो है आईडीज़ के ऊपर वो सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ सर्विसेज ऐसी जो नई अब चल रही हैं उनके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनानी है इंशाल्लाह, अभी अगली वीडियो उस पर आएगी। मैंने अभी बनाई भी एक चैट जीपीटी के बारे में, तो चैट जीपीटी के ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बना रहे हैं कि चैट जीपीटी है क्या, उससे हम किस तरह से जो है बेनिफिट ले सकते हैं, उसके यूज़ करने के तरीके कार क्या है, उसको हम चलाएंगे किस तरह से, उसमें सर्विसेज कौन कौन सी हैं और हम उसको यूज़ करते हुए अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, ये हम जाके इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। बाकी आपको फाइबर के बारे में बता दिया कि फाइबर की बाय रिक्वेस्ट ख़त्म हो चुकी है, अब सिर्फ गिग्स हैं, ऑर्डर्स हैं। आप अपनी मार्केट देख सकते हैं, ठीक है, ग्रोथ और मार्केटिंग देख सकते हैं। इसके अलावा आप क्लाइंट को डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्डर के लिए नहीं, ऑफ़र नहीं कर सकते कि जी हम ये हमारी सर्विसेज हम इतने में आपको दे देंगे, ये आप नहीं कर सकते, ये काम ख़त्म हो चुका है। इसके लिए आपको अपनी गिग को ही रैंक करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपनी गिग को जो है थोड़ा सा चेंज करें, उसको एडिट करें। लाजमी नहीं कि हमने एक दफ़ा गिग बना दी सारी ज़िंदगी वही रहेगी, उसमें चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं अक्सर, तो चेंजिंग्स कर करके हम उसको इंशाल्लाह जो अपने लेवल पर ले आते हैं उसकी जो SEO है वो बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है और ये चीज़ें बेस्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है वो कुछ काम आई होगी और कुछ चीज़ें जो आपको फ़ायदेमंद मिली होंगी इसके अंदर से। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।